व्हाट्स अप गाइस, दिस इज वेरियन बैनल्स और आप देख रहे हो बैनल्स ऑफ व्लॉग्स। तो आज का मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाते हैं, डुकाटी के बारे में बताते हैं कि डुकाटी में क्या क्या लोडिंग कर रखी है, क्या क्या लोडिंग और आगे प्लान कर रखी है, सो दैट आप लोगों को डुकाटी V4S पैनिक एले V4S के बारे में थोड़ी नॉलेज पड़े। तो गाइस ये मेरे सामने यहाँ पीछे खड़ी है हमारी डुकाटी पैनिक एले V4S। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि V4 और V4S में क्या फ़र्क आता है। जो V4 है वो जो नॉर्मल वेरिएंट है ट्रैक के लिए, उसमें यूज़ किया जाता है, इसको भी ट्रैक में यूज़ किया जाता है। उसमें जो सस्पेंशन है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आपको मैनुअली यहाँ सस्पेंशन सेट करना पड़ता है। बट इसमें ये जो आप देख रहे हो तारें जा रही हैं इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन के वायर हैं, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली अपने सस्पेंशन को चेंज कर सकते हो, प्रीलोड कर सकते हो, अनलोड कर सकते हो। तो गाइस ये जो है ये 2021 की डुकाटी पैनिक एले V4S है, जिसमें नया बॉडी किट डला हुआ है। सेम टू सेम पूरा बॉडी मेरे पास पड़ा है, जो मैं बाद में जाके सोच रहा हूँ घर पे दीवार पे लगाऊं। एक डुकाटी दीवार पे लगानी चाहिए, क्या बोलते हो भाई लोग? कमेंट करके बताओ कि डुकाटी को दीवार पे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या लोडिंग है। तो ये जो डुकाटी का छोटा सा आप लोगो देख रहे हो, ये भी अलग से लगाया है। इसका कॉस्ट में अराउंड 5 to 7,000 के आसपास है, सिर्फ ये छोटा सा डुकाटी का लोगो। उसके बाद ये फ्रंट जो गार्ड है ये कार्बन फाइबर का है, डुकाटी का ही है, इसका कॉस्ट भी अराउंड 40,000 के आसपास है। उसके बाद ये फोक प्रोटेक्टर्स हैं डुकाटी के, रिजोमो के साथ जो कोलैब है उसके साथ दोनों साइड पे लगे हैं, ये भी अराउंड 7-8,000 का है। रेडिएटर गार्ड है ये अराउंड आई थिंक ये भी 10-12,000 का है। एग्जैक्टली क्या है रेट मैं आपको बाद में जाके सीधे स्टूडियो में बताऊँगा। ये कार्बन फाइबर के विंगलेट्स हैं, ये भी अलग से लगा रखे हैं इसमें, ये अराउंड 50,000 का एक है। तो दो आप मान लो 1,00,000 का हो गया। बॉडी किट मैंने आपको बताया, पूरी की पूरी बॉडी किट इसमें नहीं डल रखी है, उसका रेट भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। हील गार्ड्स, ये भी ओरिजिनल कार्बन फाइबर के हील गार्ड्स हैं जो डुकाटी के साथ नहीं आते हैं। CNC रेसिंग का प्रोटेक्टर, इंजन प्रोटेक्टर, इस साइड भी है उस साइड भी है। उसके बाद ये इंजन गार्ड कार्बन फाइबर का, ये भी ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। डोमिनो के ग्रिप्स लगे हुए हैं इसमें, डोमिनो के बार एंड्स लगे हुए हैं इसमें, रिजोमो के बार एंड्स लगे हुए हैं डुकाटी के साथ जो कोलैब है। उसके बाद V4 का CNC रेसिंग का ट्रिपल क्लैंप लगा हुआ है इसमें, रैम माउंट तो चलो अलग है, ये कार्बन फाइबर का लगा हुआ है। इसका रेट भी बाद में बताऊँगा आपको कितना अप्रॉक्सीमेटली। ये टैंक गार्ड कार्बन फाइबर का लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे टैंक ग्रिप्स लगे थे वो निकाल दिए बिकॉज गर्मी की वजह से वो स्लिप हो रहे थे, अभी नया लगाएंगे। ये रिजोमो का फ्यूल कैप है जो इस वाली चाबी से खुलता है, ये छोटी चाबी से ये खुलता है, ये भी अराउंड 40,000 के आसपास का है। पीछे बॉडी किट का मैंने आपको बता दिया था। CNC की टेल, ये CNC की टेल आती है इंटीग्रेटेड, ये लाइट यहाँ से जलती है इंडिकेटर की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला सेट भी अराउंड 40,000 के आसपास का है। तो पहले आप पीछे CNC की लाइट देखो, ऐसा दिखता है। ये आप देख सकते हो 62.5 माइल्स, मैंने बाइक को माइल्स में कन्वर्ट कर रखा है। साइड स्टैंड लगा हुआ है, स्पोर्ट्स मोड में है, तीन मोड आते हैं, एक स्पोर्ट्स आता है, एक रेस आता है और एक स्ट्रीट आता है। तो अभी हमने स्पोर्ट्स मोड में रखा हुआ है। स्पोर्ट्स मोड में डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल क्या क्या है वो साइड में नीचे चल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। और इस तरफ भी सेम इंजन गार्ड है, वो पीछे क्लच प्लेट का गार्ड था, ये इंजन का गार्ड है डुकाटी V4 जिस पर लिखा हुआ है CNC रेसिंग का। भाई टर्मिंग गॉनिक का स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें, क्या भसड़ आवाज़ आती है। क्विक शिफ्टर ऑटो क्लिपर पहले से आते हैं। ये हील गार्ड्स, ये भी कार्बन फाइबर का है। ओलेंस का भाई सस्पेंशन मार्केट में, मैं बता रहा हूँ आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छे सस्पेंशन नहीं आते, वो इसमें ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से आते हैं V4S में। ये हमने फुद्दू सा रैप करा रखा है, इसको अभी कार्बन फाइबर करेंगे। ये स्विंग आर्म कवर, ये फुल कार्बन फाइबर है टाइटेनियम वाला, ये भी अराउंड 8-10,000 या 20,000 के आसपास का है। उसके बाद माचिसिनी के इसमें टायर आते हैं जो अलॉयज़ हैं, ये अराउंड 4,00,000 के आसपास के, मैं उस तरफ से दिखाता हूँ। ये इस पीछे क्या बोलते हैं उसको, स्प्रॉकेट गार्ड जो लाल लाल आप देख रहे हो, ये भी CNC रेसिंग का है, तो ये भी अराउंड 7-8,000 का आता है। तो भाई मोटा मोटा माने अगर इस बाइक में देखा जाए तो कुछ नहीं तो 10-11,00,000 के आसपास का सामान डला हुआ है। और इसको भी हम फुल कार्बन फाइबर करेंगे बिकॉज उससे अच्छी लुक आएगी। ऑर्डर हमने प्लेस कर रखा, अभी तो सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है कि यहाँ पे जो
मेन प्लेसमेंट आने वाली है वो आने वाली है सुपर लगेरा के विंगलेट्स की, ये हट जाएगा। इसके अलावा ये हटने के बाद सुपर लगेरा के विंगलेट्स आएंगे बाइक में, उसके बाद तो भाई तबाही। ये आप देख रहे हो ये भी सीएनसी का है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी डुकाटी में बहुत महंगी आती। तो ये है भाई डुकाटी का ओवरव्यू। टर्मिंगोनी टाइटेनियम स्लिप ऑन हमने इसमें से हटा रखा है डीबी किलर ताकि आवाज़ और ही कैंट आए। ये शार्क फिन्स वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फुल बॉडी किट मेरे पास पूरी पड़ी है, तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कि अगर उसको दीवार पे चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। तो ये है भाई अलॉय फुल कार्बन फाइबर। इतना सस्ता तो नहीं है भाई, 4 लाख का है, मतलब इतना हल्का है कि कोई हिसाब ही नहीं, आप उंगली से उठा सकते हो। और इसमें लगे हैं सॉफ्ट कंपाउंड डाइब्लो सुपर कॉर्सर रॉसो 3 एंड भाई यही है चीज़। माचिस सीनी बोलते हैं, माचिस सीनी फौज 4 लाख का है भाई, खाली की खाली है। तो ये अपनी एंग्री बर्ड आगे से इतनी एंग्री दिखते हुए मिरर आज आ गए हैं भाई, शाम को मिरर लगा देंगे, उसका व्लॉग आपको कल मिल जाएगा कि मिरर लग गए हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मिरर लगाओ, तो भाई मिरर वाला काम भी हो गया, आगे से ऐसी दिखती है ये। ओए होए 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 होए। तो भाई और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन प्लान है इसमें, जैसे रेडिएटर कार्ड को चेंज करना है, और भी बहुत हज़ार चीज़ें इसमें चेंज करनी है, ऐसी डुकाटी बनानी है। और ट्रैक वाला सामान तो मैंने आपको बताया ही था, इसको ऑन करते हैं बिकॉज बिना ऑन करे नीचे आए डुकाटी के बारे में आपको बताया तो मज़ा नहीं आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान है। स्टे ट्यून टू बैरन अल्फा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत ही जल्दी R1 आने वाली है, और R1 पे घने ही अमेजिंग मोटो व्लॉग्स भी होंगे और मॉडिफिकेशन भी होंगी भाई, क्रेजी सीन होने वाला। जल्दी की जल्दी 100K करो, एक नई सुपर बाइक आएगी 100K पे, प्रॉमिस बैन आर्मी प्रॉमिस, एक नई सुपर बाइक, और उसके साथ इतनी मॉडिफिकेशंस जो मैं सही में अपनी बिल्ड सीरीज शुरू करने का सोच रहा था कि भाई जैसे जैरेड कंपीजी भाई करते हैं फॉरेन में कि एक बाइक लेते हैं उसको फुली लोड करते हैं और उसके बाद उसका गिव अवे करते हैं, तो हम गिव अवे तो नहीं कर सकते, हम बिडिंग करेंगे, जिस बंदे ने हाईएस्ट बिड किया उसको वो बाइक दी जाएगी। और ऐसी खतरनाक बिल्ड सीरीज शुरू करेंगे इंडिया में भाई, लोग आपने देखी नहीं होगी, फालतू छपरी कंटेंट तो सारे बना रहे बट जेन्युइन मोटो ब्लॉग बनाना है तो अब ठान लिए तो भाई ढंग से करेंगे। और बहुत सपोर्ट मिल रहा है यार आप लोगों का, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, दिल बहुत खुश होता है, बहुत ही प्यार मिल रहा है। यूट्यूब पे 10K हो गए, इंस्टाग्राम में 10K हो गए, तो जल्दी से इसको फायर करते हैं और इसको कोल्ड स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिक नॉनी का, जो है हमारा एग्जॉस्ट है, इट इज कॉल्ड टर्मिक नॉनी। ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है जो 1969 से डुकाटी के लिए खासकर एग्जॉस्ट बना रहा है, जिससे अराउंड 10 हॉर्स पावर तक बढ़ जाता है डुकाटी का। ये एक स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $2,495 है। अभी यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे हम टोटल करते रहेंगे कि हर प्रोडक्ट का कितना हो रहा है, तो एग्जॉस्ट अराउंड $2,495 के आसपास आता है, जिससे पावर भी इंक्रीज होती है। स्लिप ऑन है, रेसिंग एग्जॉस्ट है एंड ऑब्वियसली इटली में बना हुआ है। तो ये हो गया पहला चीज। तो गाइस जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है एक क्विक रिलीज गैस कैप जो आगे डुकाटी में लगा था, आपने देखा था। वो जो प्रोडक्ट है उसका वेट 100 ग्राम के आसपास है, जो डुकाटी का एक्चुअल फ्यूल कैप आता है जिसमें चाबी चुबी लगती है, सारा सिस्टम होता है, वो अराउंड 390 ग्राम के आसपास है, तो वेट रिडक्शन होता है। ये सारी आइटम जो मैंने आपको डुकाटी में दिखाई है, इन सबसे वेट रिड्यूस होता है, जिससे आप ट्रैक पे और तेज जा सकते हैं एंड यू कैन हैव और अचीव अ बेटर टैप ये लैप टाइमिंग्स, इसलिए ये सब है। तो इसका कॉस्ट अराउंड $100 के आसपास है। बाद जो अल्टरनेटर का केस कवर आता है जो दोनों साइड पे आपने देखा, एक तरफ पे क्लच का कवर आता है, क्लच का कवर ही समझ लो इसको, जो प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक सा है, और जो दूसरी साइड पे अल्टरनेटर का कवर है, दोनों अप्रोक्सीमेटली $300-350 के आते हैं एक, पर दोनों अराउंड $400 के आसपास है। तो गाइस जो अगला प्रोडक्ट है वो है रेडिएटर गार्ड जो हमने लगा रखा है, ग्रिल सी है जो आप नीचे देख सकते हो डुकाटी के सामने। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप बाइक वगैरह चला रहे होते हो टायर वगैरह से कोई छोटा पत्थर और इतनी फोर्स से आके वो पीछे रेडिएटर पे लगेगा तो उससे रेडिएटर खराब हो सकता है, नीचे कूलेंट गार्ड भी खराब हो सकता है, तो इस वजह से पूरा रेडिएटर गार्ड बनता है। ये अराउंड $190 के आसपास पड़ता है एंड INR में आपको साइड में रेट आ रहा होगा। तो उसके बाद आता है डुकाटी के टैंक ग्रिप, जो साइड में आपको याद होगा हमने डुकाटी सर्विस वाले ब्लॉग में निकाल दिए थे, ब्लैक जो थाई ग्रिप्स होते हैं वो अराउंड $100 के आसपास है, 7,500-8,000 के आसपास। जब आप ट्रैक पे होते हो उस टाइम पे वो बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो आपके रेस सूट के साथ यहाँ पे ट्रैक्शन कर लेता है थाईस पे, एंड जब आप लीन कर रहे होते हैं तो वो एक ग्रिप बना के रखता है, तो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो गाइस जो अगला प्रोडक्ट है वो है NRC का फेंडर एलिमिनेटर,
एंड ये डायरेक्टली प्लग एंड प्ले आता है, मतलब आपको तारे तुरे काटनी नहीं पड़ती, डायरेक्टली जो सेम सॉकेट है डुकाटी के उसी में फिट हो जाता है। और भाई अल्टीमेट इसके इंडिकेटर्स हैं, बिल्कुल टेल टाइडी, जो आप डुकाटी भी देख रहे हो स्लीक सी पतली, जिसकी वजह से इसका पीछे का डिजाइन जो डुकाटी का टेल सेगमेंट है और ही सुंदर और निखर के आता है। तो ये है एनआरसी का फेंडर एलिमिनेटर। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो है डोमिनोज के ग्रिप्स, XM2 ग्रिप्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो अराउंड $30 के आसपास है। ये बेटर ग्रिपिंग देते हैं इवन विद रेस ग्लव्स एंड ऑल, बट मैं पर्सनली ग्लव्स नहीं पहनता, आपको पता है कारण। तो ये है थर्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है वो है कार्बन फाइबर का फ्रेम कवर, जो आपने देखा होगा डुकाटी साइड की तरफ से जो ऐसे पतली से स्ट्रिप आती है, जो कार्बन फाइबर की मैंने दिखाई थी ब्लॉग में भी है, आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे बट यहाँ पे सामने फोटो भी आ रही होगी। तो ये थोड़ा कॉस्टली है बिकॉज ये दोनों साइड पे आपके मेन इंजन गार्ड को कवर करता है। ये अराउंड $400 के आसपास है, जो आप कह सकते हो 32,000-35,000 के आसपास पड़ता है। तो ये एक और प्रोडक्ट है। तो अगला आप फोक पे, आपने फोक प्रोटेक्टर्स देखे हैं, दो फोक प्रोटेक्टर्स अराउंड $70-$100 के बीच में आते हैं रिजोमो के, एंड उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, अगर गलती से बाइक वगैरह क्रैश करे तो अलॉयज को प्रोटेक्ट करता है, डिस्क को प्रोटेक्ट करता है। तो जो फोक प्रोटेक्टर्स होते हैं वो टायर की तरफ से ऐसे मोटे से निकले होते हैं, जो आपको फोटो में भी दिख रहे होंगे। तो ये अराउंड $100 के आसपास, अराउंड 7,000-8,000 के आसपास का ये पड़ता है। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है ड्यूका बाइक का जो ट्रिपल क्लैंप है ऊपर, जहाँ पे हमने रैम माउंट लगा रखा उसके सामने जो प्रोडक्ट है, यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा। इससे क्या होता है, जो फ्रंट एंड पे स्टिफनेस वगैरह होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये भी थोड़ा कॉस्टली है, अराउंड $400 के आसपास पड़ता है, विच इज अगेन अराउंड 30,000 के आसपास का ये प्रोडक्ट है। जो अगला प्रोडक्ट आता है वो है सामने वाला जो फेंडर है टायर के ऊपर का जो गार्ड होता है वो, ये जो टायर गार्ड है ये फुल 6 कार्बन फाइबर का है और इसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $300 के आसपास है, एंड ये भी वेट रिडक्शन के लिए इसलिए इसको लगाया। जो अगला प्रोडक्ट है वो है स्विंग आर्म का कवर, जिसमें टाइटेनियम भी लिखा हुआ है, आपने ब्लॉग में देखा है, उसका कॉस्ट अराउंड $250 के आसपास है, एंड वो स्विंग आर्म को प्रोटेक्ट करता है जब क्रैश हो या कुछ हो तो, स्विंग आर्म प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इसकी सिंगल साइड स्विंग आर्म है तो वो बहुत जरूरी है लगाना। ये लोग जो अगला प्रोडक्ट है वो है कार्बन फाइबर का टैंक कवर, जो ऊपर वाला आपने देखा है टैंक के ऊपर जो ब्लैक सा कार्बन फाइबर की ऐसे पट्टी सी है, वो भी अराउंड $190-$200 के आसपास पड़ता है, वो भी वेट रिडक्शन के लिए है, जिसके नीचे बैटरी रहती है वो वाला स्पेस अगर आपको याद हो। जो सबसे महंगा पार्ट इसमें है वो इसके माचिसिनी के अलॉयज, जो अराउंड $4,000 का पड़ता है। $4,000 मतलब अराउंड 3,00,000-3,50,000 का उसका एलॉय है, आगे पीछे का दोनों माचिसिनी फॉर्ज अलॉयज है। बहुत हल्का होता है, जैसे मैंने आपको ब्लॉग में बताया, जब एक बार अगली बार जब टायर चेंज करेंगे उस टाइम पे मैं आपको उठा के अच्छे से ब्लॉग में समझाऊंगा कि कितना लाइट वेट है और कितना वेट रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से बाइक और तेज जा सकती है। आप यू कैन हैव अ फास्टर लैप टाइमिंग्स मेक, बिकॉज मेन तो लैप टाइमिंग का ही होता है, जिसने जितना ज़्यादा अच्छा लैप टाइमिंग मारा वो फर्स्ट है। तो प्रॉपर ट्रैक मशीन है भाई, रोड पे इसको कम यूज़ करो, जो जो प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में भी, जिनकी ड्रीम बाइक है, तो भाई अगर तुम सही में इस बाइक को यूज़ करोगे ट्रैक पे लेके जाओगे तभी लेना, ऐसे लेके फालतू छपरी गिरी मत करना रोड पे। तो फाइनल फोटो आ रही है डुकाटी V4S की फोटो आ रही है, जो आई थिंक 1-1.5 साल पुरानी फोटो है, जिसमें प्रॉपर मेंशन कर रखा है कितना वॉल्व है, कितना सिस्टम है, कितना सीसी है। तो जिन लोगों को पूरा अच्छे से ढंग से ज्ञान चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज मेन चीज़ है आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाइक तो कोई भी ले सकता है, समझ रहे हो। तो ये था गाइस एक छोटा सा व्लॉग, और टोटल भाई पूरा यहाँ पे टोटल करके नीचे यहाँ पे आ जाएगा कि कितने लाख इसका टोटल लोडिंग का सामान लगा हुआ, मेरे हिसाब से नाना करके भी 10 से 11-12 लाख का इसमें सामान डाला हुआ है, एंड बहुत ही सुंदर बाइक है, बहुत ही मेंटेन बाइक है, एंड अभी और बहुत सारे मॉडिफिकेशन प्लान है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। जल्दी जल्दी 100K करो, 100K के बाद तो फिर हम आग लगा देंगे भाई, जेन्युइन मोटो कंटेंट देंगे आपको, जेन्युइनली सिखाएंगे कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, जेन्युइनली बताएंगे कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है। और आज अभी जैसे मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ उस टाइम पे मैं जस्ट कहीं से आया और हम जट प्रभजोत भाई को फॉलो करते हैं बहुत ही दिल से, एंड हम भी एक चीज़ प्लान कर रहे हैं जो उन्होंने नेपाल में की थी। तो जो जो समझ गए हिंट वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो नहीं समझे ठीक है आप व्लॉग देखते रहे आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो गाइज ये था व्लॉग, ये था डुकाटी का लोडिंग का व्लॉग, कि उसमें क्या क्या सामान है और कितना कितना और लगना है वो मैं समय के साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लव यू, कीप सपोर्टिंग, दिस इज योर बैरन अल्फा, पीस आउट।